है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो दोस्तों मेरा नाम है शरीफ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आप लोगों की बहुत सारे लोगों की डिमांड थी बहुत सारे भाई कहते थे शरीफ भाई आप लोग वीडियो शूट करते हो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट एक लगते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर हम अपने घर के अंदर ही यूट्यूब स्टूडियो सेटअप करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना इस वीडियो में आज मैं पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से वो इक्विपमेंट हैं जो कि आपको जरूरत है अगर आप अपने घर में ही एक कमरे को यूट्यूब स्टूडियो बनाना चाहते हो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी मैंने मेरा एक छोटा सा रूम है उसमें भी मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है और यहाँ टेबल पे आप देख सकते हो सारे इक्विपमेंट मैंने लगाए हुए हैं और वो सारे क्या क्या हैं क्या क्या उनकी जरूरत है क्या उनके काम है वो सारे मैं आपको आज बताने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे पूरी वीडियो को एंड तक देखना थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से मैं ये वीडियो शूट करता हूँ और आउटडोर और इनडोर दोनों शूट में करता हूँ जैसे आपको पता ही है मेरे चैनल पर मैं आ, कार के वीडियोज भी करता हूँ और कुछ वीडियोस में ट्रैवल वीडियोस भी बनाता हूँ और वीडियोस जो बनाता हूँ जैसे घर के अंदर कुछ टैक वीडियोस भी शूट करता हूँ तो दोस्तों सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब का स्टूडियो जो है उसका सेटअप कैसे कैसे किया था और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ये आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर इसमें टेबल पे सारे लगाए हुए हैं और मेरे पास दो कंप्यूटर हैं दोस्तों एक कंप्यूटर इधर है और एक कंप्यूटर इस तरफ लगा हुआ है और एक लैपटॉप है यहाँ पे तो दोस्तों अब मैं पास चल के आपको दिखाता हूं कि कौन सी चीज की क्या जरूरत है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं और एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ मैं दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ आप ये सारे लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक भी चीज़ अगर आपको इसमें से ऑर्डर करनी है तो वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इजीली इसे ऑर्डर कर सकते हो तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम ये इस टेबल से चलते हैं तो ये देख सकते हो दोस्तों मेरा यहाँ पे लैपटॉप मैकबुक एयर जो लैपटॉप है दोस्तों मेरे पास में इससे मैं अपने वीडियो शूट के एडिटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं करता हूँ जितना ज़्यादा काम है वो सारा मेरा प्रोफेशनल और जो भी वीडियो एडिटिंग का काम सारा इस लैपटॉप के द्वारा होता है दूसरा आप यहाँ पे एक पीसी देख सकते हो तो दोस्तों ये सेकेंडरी पीसी है मेरा ये मैं यूज़ करता हूँ जब कभी गेमिंग वगैरह करनी होती है क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है गेमिंग का तो उसके लिए जब यूज़ करना होता है तो गेमिंग को स्टूडियो को मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर मैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में है इन्फिनिटी का यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो कि 2.1 है जैसे कि आप देख सकते हो एक यहाँ पे रखा हुआ है स्पीकर और एक स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये 2.1 स्पीकर दोस्तों इसके साथ में है जो कि मैं वीडियोस के ऑडियो के लिए आउटपुट ऑडियो के लिए यूज करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड माउस है मेरे पास में ये का कंप्यूटर की ये वाली टेबल जो है ये टेबल एक सेकेंडरी कंप्यूटर के लिए है इसका वायरलेस कीबोर्ड माउस ये यहाँ पे दोस्तों रखे हुए हैं और अब इसमें बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइक होल्डर तो ये दोस्तों माइक स्टैंड यहाँ पे एक मैंने अभी परचेस किया था एमज़ोन से ये देख सकते हो इसकी क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है तो दोस्तों वॉइस की क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वॉइस की क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा साफ आती है जो हमारी कुछ अनवांटेड वॉइस जो होती हैं तो दोस्तों जो हमारी वॉइस जब हम बोलते हैं तो कुछ आवाज़ें आती हैं हल्की फुल्की तो वो चीज़ों को ये नॉइस को रिड्यूस कर देता है बिल्कुल तो ये फ़िल्टर काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों ये पॉप फिल्टर आपको मिल जाएगा ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था अगर आपको ये परचेज करना है तो ये भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में और इसका स्टैंड भी दोस्तों बड़ा मजबूत स्टैंड है आप सबसे अच्छी चीज के इसे कहीं भी आप मूव कर सकते हो ये देख सकते हो आप ये जो है यहाँ से ये पूरा मूवमेंट इसका हो जाता है अगर आपको कहीं भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है तो ये प्रॉपर इसे एडजस्ट भी आप कर सकते हो और अभी एक आता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये प्रिंटर दोस्तों रखा हुआ है मैंने एच का वन वन थ्री जीरो प्रिंटर जो दोस्तों लिया हुआ है तो ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है टोनर वाला इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे प्रिंटिंग का मटेरियल कुछ प्रिंट करना होता है तो मैं इस प्रिंटर को यूज़ करता हूँ अब आता है दोस्तों मेरा यहाँ प्राइमरी पी जो कि यहाँ पर देख सकते हो एल का मोनीटर मैंने दोस्तों यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो आप लॉजिटेक का वेब जो कि मैंने रिसेंटली अभी परचेज किया है तो जब मैं लाइव टेलीकास्ट वगैरह करता हूँ या गेमिंग में लाइव गेम प्ले वगैरह होते हैं तो उनके लिए मैं दोस्तों इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिटेक के कीबोर्ड माउस जो कि इसके साथ में है यहाँ पे दूसरी चीज़ आप देख सकते हो क्वांटम के यहाँ पे मैंने यू पोर्ट लिए हुए हैं जो कि आठ यू एस बी काउंट हो जाती हैं ये तो इसमें क्या है कुछ भी चीज़ मुझे लगानी होती है तो पी के ज़्यादा अंदर नीचे नीचे नहीं जाना पड़ता जैसे कि आप देख सकते हो पीसी यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है अगर आपको थोड़ा सा रोशनी में दिखे तो और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो गैजेट्स की बात हम कर लेते हैं दोस्तों तो ये गैजेट्स हम शुरू करते हैं इधर से जो कि यहाँ पे कैमरे की बात आती है तो एक प्राइमरी कैमरा जैसे मैंने आपको बताई दिया था कि प्राइमरी कैमरा मेरे पास में जो है वो दोस्तों कैनन का टू डी है और जो सेकेंडरी कैमरा जो मेरे पास एक्शन कैमरा है वो मेरे पास में दोस्तों गोप्रो है जो कि आप GoPro Hero 5 हीरो कैमरा आप देख सकते हो ये बड़ा ही ज़बरदस्त कैमरा है इसको एक्शन कैमरा के लिए जैसे भी कभी मुझे आउटडोर शूट करना होता है कभी ट्रैवलिंग शूट वगैरह होता है तो वो उसके लिए मैं इसे यूज करता हूँ और दूसरी चीज़ एक आती है दोस्तों इसका जो है ये होल्डर तो दोस्तों ये इसका कवर आप देख सकते हो गोप्रो का कवर जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कवर है इसको आप निकाल के इसमें गोप्रो को फिक्स कर सकते हो और इसके अंदर ही एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये है ये एक माइक अडेप्टर है ये काफी कॉस्टली आता है पर इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा ये देखो ओरिजिनल गोप्रो का ही ये दोस्तों अडेप्टर है ये आप देख सकते हो यहाँ पे और इस अडेप्टर के लिए मैं जो यूज करता हूं जैसे मुझे अपना रोड का माइक वगैरह यूज करना होता है तो उसके लिए ये वाला अडेप्टर यूज होता है इसके अंदर मैं माइक को प्लग कर देता हूं वायरलेस माइक और इस तरफ से ये गोप्रो में प्लग हो जाता है तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट गैजेट्स है मेरे पास जो कि आउटडोर शूट के लिए काफ़ी मुझे हेल्प करता है और अब मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो गैजेट्स है ये दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था ये मिल जाएगा मोज़ो मिनी एस गिम्बल दोस्तों ये स्मार्टफोन गिम्बल मैंने ऑर्डर किया था जिसमें कि अगर मोबाइल से कुछ शूट करना हो आउटडोर या इंडोर तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मतलब स्टेबलाइजेशन प्रॉपर इसमें रहती है दोस्तों अभी ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा तो दोस्तों जितने भी सनेमेटिक हैं वो सारे मैंने मोज़ो मिनी एस मोज़ा मिनी एस के गिम्बल से इसी गिम्बल से शूट किए हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है इसकी तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है तो दोस्तों इधर आती है ये एक केबल जो कि अभी मैंने रोड का जो माइक है वो अभी कैमरे में होल्ड किया है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक केबल तो उसके साथ आती है जो कि ऑक्स केबल होती है एक ये दूसरी केबल मैंने अलग से ऑर्डर की थी अब इसकी इम्पोर्टेंट मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो केबल है ये एक तरफ ऑक्स में आपको देख सकते हो यहाँ पे टू पॉइंटर में ऑक्स में मिलेगी और दूसरी तरफ ये दोस्तों थ्री पॉइंट फाइव mm एम का जैक इसके अंदर में मिल जाएगा आपको तो इसका जब क्या है कि ये आपको रोड का जो माइक है गोप्रो जो दोस्तों रोड का जो वायरलेस माइक है अगर वो आपको यूज़ करना है मोबाइल के साथ तो ये वाली केवल का यूज़ होता है इसी के साथ ही आप इसके मोबाइल से अटैच कर सकते हैं अब आता है एक दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट गैजेट्स जो कि आप देख सकते हो ये लेवेलियर माइक ये माइक आपको काफ़ी सस्ता सा मिल जाता है लेकिन इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है एक तो इसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों ये माइक जो है ये आप मोबाइल में भी अटैच कर सकते हो लैपटॉप में भी अटैच कर सकते हो और कैमरे में भी अटैच कर सकते हो तीनों जगह इस माइक को आप यूज़ कर सकते हो और कहीं भी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना हो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है मैं जैसे जब भी कोई टेक्निकल वीडियो शूट करता हूँ तो इसी माइक को यूज़ करता हूँ तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है अब दोस्तों कुछ और गैजेट्स जो आने वाले हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्स केबल मिल जाएगी अब इस ऑक्स केबल का यूज़ क्या होता है तो इसमें जब भी दोस्तों मैं लाइव लाइव करता हूँ गेमिंग लाइव गेमिंग जब होती है तो उसमें मैं ये यूज़ करता हूँ उसके लिए मुझे क्या होता है कि ऑडियो जो कैप्चर करना होता है गेम का ऑडियो वॉइस ऑडियो तो वो सारा मुझे पास करना होता है स्ट्रीमिंग में तो उस टाइम में ये यूज़ होता है और दोस्तों अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग की एक वीडियो अगर कैसे लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप किया जाता है वो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों वो मुझे कमेंट करके बताना मैं डेफ़िनेटली उसके लिए भी आपके लिए एक पूरी कंप्लीट टेक वीडियो लेके कर आऊँगा जिसमें कि पूरा प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कौन सी इक्विपमेंट कितने चाहिए होते हैं और कैसे लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है अगर पबजी गेम से आप करना चाहते हो या कोई भी फ्री फायर गेम से या कोई भी गेम से आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो सारे भी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा तो ये देख सकते हो दोस्तों ऑक्स केबल है जिसका यूज होता है हमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और जो गेम का ऑडियो है उसको पास करने के लिए दूसरी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5 पॉइंट mm फाइव के जैक के साथ ये दोस्तों मिल जाती है यहाँ पे कॉपियर इसको दोस्तों ऑडियो कॉपियर कहते हैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि एक होता है ऑडियो कॉपियर और एक होता है ऑडियो स्प्लिटर तो ये स्प्लिटर नहीं है ये कॉपियर है अगर आपको यहाँ से कोई भी ऑडियो आएगा तो दोनों तरफ वो दोनों आउटपुट ऑडियो ही होंगे उसके दोस्तों दोनों आउटपुट ऑडियो होंगे इनपुट माइक नहीं होगा जो स्प्लिटर होता है वो क्या करता है कि वो दोस्तों काम करता है कि एक तरफ से जो ऑडियो आता है एक तरफ उसमें माइक का इनपुट जाता है दूसरी तरफ उसमें आ, स्पीकर का आउटपुट आता है तो यहाँ कंफ्यूज मत होना ये कॉपियर है जबकि इसका भी मैं यूज़ बताऊंगा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रॉपर बताऊंगा अब दूसरी चीज आती है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये ये स्प्लिटर है ये ऑडियो स्प्लिटर है ये ऑडियो कॉपियर है दोनों में डिफरेंस है इसमें अगर मोबाइल में मैं दोस्तों लगाऊंगा इसको तो इस तरफ से जो इस तरफ आउटपुट आएगा ऑडियो का और इस तरफ माइक का इनपुट जाएगा तो ये दोनों चीज थोड़ा सा डिफरेंट है एक ऑडियो कॉपियर एक ऑडियो स्प्लिटर अब तीसरी चीज दोस्तों ये बचती है यहाँ पे तो ये यूएसबी साउंड कार्ड है इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जब हमें ऑडियो आउटपुट जैसे लैपटॉप में यूज करते हैं तो लैपटॉप में एक ही थ्री पॉइंट फाइव एम का जैक होता है जिसके लिए कि अगर हमें ऑडियो अलग से वहाँ पे डालना है जैसे एक्सटर्नल माइक का ऑडियो लगाना है तो वो हम नहीं लगा सकते तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक यू का ये सेवन चैनल का ये यू का दोस्तों साउंड कार्ड है बहुत अच्छी क्वालिटी है ये भी सस्ता है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दो ढाई सौ रुपये का है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है मैं ज़्यादातर जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करता हूँ या ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इसी की मदद से करता हूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरफ ऑडियो का आउटपुट आएगा और इस तरफ यहाँ पे ऑडियो का इनपुट जाएगा ये भी सेम एज ऐसे ही है लेकिन ये आ, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3.5 पॉइंट mm के जैक के साथ में इनपुट और यहाँ पे इनपुट आपको यूएसबी इसका मिल जाएगा तो ये दोस्तों गैजेट्स हैं जो कि मैं ज्यादातर यूज करता हूं अपने वीडियोस को बनाने के लिए तो आप ये देख सकते हो सारे गैजेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और एक कैजेट्स जो कि अभी आप ये देख सकते हो कि जितना रोशनी इसमें अच्छी आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मैंने यहाँ पे दोस्तों लाइट का स्टैंड अभी मैंने परचेस किया था जो कि डिजी की लाइट मैंने ली हुई है जैसा आप देख सकते हो अब आप, रोशनी आपको कैसी दिख रही है पर इसमें काफी अच्छी रोशनी आती है इसके अंदर में जो फीचर है वो दोस्तों मैं ये बताता हूँ कुछ यहाँ पे दो बटन मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बटन ये इसकी जो दोस्तों ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए जैसे अभी देख सकते हो तो बिल्कुल इसकी ब्राइटनेस बंद हो चुकी है खत्म हो चुकी है बिल्कुल अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा तो यहाँ से मैं इसको जैसे ही अप करूंगा तो इसको जैसे ही मैं घुमाऊंगा यहाँ से इस बटन को तो पूरी ब्राइटनेस इसकी बढ़ने लग जाएगी और मतलब आपको मैं इस तरफ से दिखाना चाहूंगा कि कमरे के अंदर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है तो ये आप देख सकते हो अगर मैं इसकी रोशनी को बिल्कुल डाउन कर देता हूं तो इस तरह की लाइटिंग दोस्तों आती है इसके अंदर में और अगर मैं इसकी लाइट को दोस्तों बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल रोशनी जबरदस्त हो गई है जिसमें कि हम वीडियो शूट प्रॉपर कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट फीचर और इसका दोस्तों जैसे है कि ये वाइट लाइट की तरफ जाएगा और इसमें जो दूसरा बटन दोस्तों दिया हुआ है उसको अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो वाइट और येलो वो येलो की शेड की तरफ भी मूव करेगा देखो अब पूरी येलो की शेड हो चुकी है जो लाइटिंग की है अब इसकी हम ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं और ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं लेकिन जो लाइट का इफेक्ट है वो येलो है जैसे अगर मैं स्क्रीन इस पे इसको भी आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा दिखेगा तो दोस्तों ये आप देख सकते हो जैसे कि येलो लाइटिंग की तरफ है अगर मैं इसको जैसे ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा इसकी ज्यादा और येलो इसका जो कॉन्ट्रास्ट येलो कलर है वो मैं कम करूंगा तो आप देखो बिल्कुल वाइट लाइट आएगी कमरे के अंदर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपना पूरा सेटअप टूर दिया था जो कि मेरा यूट्यूब स्टूडियो घर के अंदर जो मैंने एक रूम को बनाया हुआ है उसके अंदर क्या क्या कैसे लाइटिंग मैंने लगाई हुई है कैमरे को कैसे मैंने होल्ड किया हुआ है और उसके लिए क्या क्या जरूरत है माइक मेरे पास कौन सा है कौन कौन से माइक मैं यूज करता हूँ तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा वीडियो में कि मेरे पास और कौन कौन से माइक हैं जिनकी मदद से मैं वीडियो शूट करता हूँ और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से वीडियोज़ को एक अच्छी वीडियो बनाया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्यों आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ जाए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी टेक वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा से मिलता हूं जब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेक केयर बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग